अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं एक और जो है ब्लॉग के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और सर्दी के हिसाब से अगर देखा जाए और अगर हम देखें मौसम के हिसाब से कौन सी ऐसी प्लेस, और वो मैं सोच के आया था कि यार मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ के बारे में जो है लाजमी शेयर करूँगा कि वो जगह कैसी है और वो प्लेस कैसी है। जाने से पहले मैं जो है आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे चैनल को लाजमी जो है ना सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, और जिन्हें सब्सक्राइब किया हुआ है सब्सक्राइब किया हुआ है जिन्होंने वो जो है बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि जो मेरी मेहनत है ना वो किसी ना किसी अंजाम तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। जी जनाब, हम तो चल ही रहे हैं लेकिन हमारे साथ जो है आज जो कंपनी दे रहे हैं मेरे साथ मेरे अजीज़ दोस्त सदाम हुसैन, और सदाम हुसैन नाम है, जो हमारे साथ जाएंगे और हम जो है वहाँ पर खूब इंजॉयमेंट करने वाले हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मेहताब जी, मेहताब भाई मेरे अजीज़, और ये जो है असल में इनका जो सीन है ना वो ये है कि ये सुबह से जो है ना बिल्कुल भूख लग रही है इनको। असल में हमने इनको लेके आए, उसके बाद हमने कहा यार थोड़ा शूट वूट कर लेते हैं, तो बस उस चक्कर में ना मेहताब भाई सॉरी यार, लेकिन बहुत जल्द आपका सफर का पैमाना जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। अभी तक तो इन्होंने सरप्राइज़ रखा हुआ है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और मुझे इंतज़ार है कि अब हम उस जगह पे कब पहुँचेंगे जहाँ का इन्होंने मुझे सरप्राइज़ का बोला हुआ है। और सदाम भाई के बारे में जो है मैं एक बात बताता चलूँ कि इनका अपना चैनल है यूट्यूब, और ये खुद एक मेरी स्ट्रगलर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं हम दो। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना इनका लिंक शेयर कर दूँगा, तो सो गाइस जो मेरे जानने वाले अजीज़ हैं वो लाजमी जो है इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब टू सदाम हुसैन चैनल। कमाड़ी एक नंबर मछली मार्केट में आके फ्रेश मछली यहाँ से लेकर और उसको हम जो है ना अपने सामने जो है फ्राई करवाएंगे या तलेंगे जो भी है, वो प्रोसीजर वगैरह सारा आपको लोगों के साथ जो है ना शेयर करेंगे। खावर भाई मछली लेने गए हैं और हमने ना वाइट पम्फलेट और झींगे और धोतर का आर्डर दिया हुआ है। सो मेरे ख्याल में वहाँ पीछे कट रही थी और कट भी गई है, वो बस लेने गए हैं और उसके बाद वहाँ देना है फ्राई के लिए। और फिर और ये जो है ना ये चार दाने फ्राई का सही है, ये ग्रिल के लिए हमने बनाया, सर आपने हटवा दिया, वैसे हटाना नहीं चाहिए, ये ग्रिल का किताब हो गया। ना नीमू नज़र आया है ना सदाम नज़र आया, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है जो तकरीबन जिनका खाना नहीं खाया था इसी वजह से कि ताकि टेस्ट को ज़्यादा इंजॉय कर सकें और चेक की है। अब मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इसको क्लोज करें ताकि टेस्ट को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। बहुत ज़्यादा सही कह रहा भाई, इतनी डिलीशियस चीज़ सामने आ गई है और जो है ना रिव्यूज और बाकी रिव्यूज खाने के बाद ही दे सकते हैं बजाय किसी चीज़ में टाइम ज़ाया किए। मैं तो मुंह में बार बार पानी आ रहा है, मैं तो अब जो है ना इस पर रिव्यूज नहीं दूंगा और मैं शुरू करने लगा हूँ। आप इस तरह कैमरा पकड़ के रखेंगे ना। और
یہ واقعی اسپائسی ہے, حقیقت بات ہے, بہت زیادہ مزہ ہے اور بہت یمی, بہت مزے دار, بہت اعلیٰ, ایک سے بڑھ کر ایک. خاور بھائی کیسی لگی آپ کو یہ دھوتر مچھلی؟ بہترین, زبردست یار, بہت زبردست گرل کی ہوئی ہے, خاص طور پہ مسالے, ٹیسٹ اس کا بہت یونیک ہے, اور اب یہاں پر آئیں تو لازمی اس کو ٹرائی کریں, یہ تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کو. اور یار صبر کرنا, واقعی اس کو رکھ کے جو ہے نا اپنے پاس بہت مشکل ہے. تو رام بھائی آپ بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھانے دو. اب خاور بھائی چیکو کا ریویو دو. آئی ایم سوری, میں نے غلطی سے مسٹیک کر دی اور جو ہے نا آن کا بٹن دبایا نہیں. جھنگے اور ٹکے بنے ہوئے اس کے, بہترین بنے ہوئے. میں نے ٹکے جھنگے کے ویسے بھی نہیں کھائے, سالن والن میں کھائے, تو یہ میرے لیے ویسے ہی فرسٹ ٹائم جو ہے نا بڑی یونیک چیز ہے, ٹیسٹ کرنے لگا ہوں. مہتاب بھائی میں نے پہلے سنا تھا, آج فرسٹ ٹائم کھا رہا ہوں جھینگے, ٹھیک ہے, لیکن یار انٹرسٹنگ حقیقت بات ہے, بہت زبردست بنے ہیں, اور آپ بھی ٹرائی کریے. لاسٹ بٹ اور